Hey, कुछ भी की जनता, in this episode we talk about Barbie and Oppenheimer, the new movies that are in town. We also talk about the Manipur crisis and how the state is handling it. And then हम बात करते हैं about the moon landing and ISRO क्या कर रहा है with the Chandrayaan. तो क्या चल रहा है आजकल? Netflix का चोट लगी है क्या किसी को? या तो चार पेसेंट बैठे पड़े हैं साथ के जो अकाउंट चार पेसेंट अबे तुम सबने एक ही साथ ले रखा है क्या? हाँ भाई हमारा चार पेसेंट मैं आपको पेशेंट कैटेगरी में नहीं मानता हूँ. क्यों? तो देख नहीं रहा कुछ आजकल? नहीं मैं मतलब इनका पेशेंट कहने का मतलब ये है कि इनको पैसे पूरे नहीं देने में कोई दिक्कत नहीं है पूरे पैसे देने में. भाई ये तो अजीब फ्लेक्स है. कम देने में तेरे को कम देने में दिक्कत है? अबे तो वही तो बोला कि ठीक है तूने चार तूने तूने प्रिज्यूम किया कि मैं भी अफेक्टेड हूं. अरे सॉरी ब्रो अफेक्टेड तो है ही तू. मैं नहीं नहीं ध्रुव बिल्कुल मैं बहुत भाई इतनी भाई मेरे आदमी के साथ आज ही हुआ भाई. मैंने टीवी ऑन किया खाना लेके टीवी ऑन किया देखा नोटिफिकेशन यू आर नॉट पार्ट ऑफ द नेटफ्लिक्स हाउसहोल्ड यू विल नॉट बी एबल टू यूज प्लीज क्रिएट अ न्यू अकाउंट. नहीं तो तुमने हाउसहोल्ड सिलेक्ट क्यों किया? हाउसहोल्ड सिलेक्ट ना करके तुम अपने फोन. हां भाई वो बहुत पहले कर दिया था हमने ना हाउसहोल्ड स्किप कर दिया बट फिर अपने आप हो गया किसी ने आई थिंक किसी से गलती से हो गया पता नहीं कैसे डिटेक्ट हो गया. मैंने सेटिंग्स अकाउंट सेटिंग्स जाके देख ली कहीं पे कोई सिलेक्शन नहीं हो रखा वो ऑटोमेटिक रीड है कुछ एल्गोरिथम में. उन्होंने ये उसमें ये लिखा हुआ था कि हमें कोई एक आईपी चूज करके उसको हाउसहोल्ड बना देंगे फिर हॉटस्टार वाले भी कर रहे हैं शायद. हॉटस्टार पे अब बचा क्या है? हॉटस्टार बिक रहे हैं डिज्नी और किसको बिक रहे हॉटस्टार जियो ही खरीद मतलब हॉटस्टार पे कुछ और कौन खरीद और कौन है मतलब देखने का कुछ बचा तो है नहीं हॉटस्टार पे उसकी लाइब्रेरी बिकेगी ना बट हॉटस्टार के पास हॉटस्टार पास कुछ हॉटस्टार सिर्फ डिज्नी मार्वल वाला कंटेंट है अभी और दे स्टिल होस्ट जब बैटिंग करने आते हैं तो फिर खत्म ही कर एक साल में पूरा मतलब दुकान तो, बट कमी तो देख रहा हूं मैं तो आजकल लाइक ओटीटी वगैरह पे तो कुछ कमी देख रहा हूं. कोई मूवी तो मैंने लास्ट ओपनहाइमर देखी है जो कि ठीक थी मतलब 80% मार्क्स हैं उसके. ठीक थी तूने आईमैक्स में देखी नॉर्मल में देखी कैसे? नॉर्मल में भाई यहां पे आईमैक्स वीमैक्स नहीं है मैं सेकंड टियर सिटी में रहता हूं रिप्रेजेंट. तो ये मतलब ऐसा कुछ है क्या कि आईमैक्स में देखने से कुछ स्पेशली कुछ हो जाएगा इंडिया में? जैसे लोग इंडिया में तो वैसे भी 70mm आईमैक्स स्क्रीन नहीं है तो वो वैसे भी ऐसा कुछ होगा नहीं तेरे साथ कि भाई आईमैक्स में देख ली तो बहुत ही अलग हो गया मेरे साथ. ये आईमैक्स में देखने वाले का जो उतना ही वैल्यू है जितना किसी वीडियो के बाद आता है ना शॉर्ट ऑन आईफोन. इट एड्स नो वैल्यू टू द वीडियो इटसेल्फ बट वो ब्रांड वैल्यू जोड़ता है और कुछ नहीं. Apparently, उसने दो फॉर्मेट्स में शूटिंग की है तो मे बी इसीलिए थोड़ा IMAX में एक्सपीरियंस अलग हो. Isn't it black and white or color? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. IMAX basically IMAX वो अभी तक रेजोल्यूशन के मामले में ना 70mm IMAX is the clearest resolution of any picture anywhere at any time. तो उसका पॉइंट ये था कि अच्छी रेजोल्यूशन में और फिर उसका एस्पेक्ट रेशियो भी बड़ा हो जाता है. बाकी उसमें वो कट जाएगी थोड़ी सी इमेज जो नॉर्मल स्क्रीन होंगे उनमें बट ऐसा कुछ खास थी नहीं मतलब मूवी ऐसा कि भाई कमाल ही हो गया बट कुछ सीन्स अच्छे थे. निखिल तो भूत लग रहा है. हाँ ये निखिल तो काफी डेंजरस. मैं बार्बी देख के आया भाई. बार्बी कैसी? भाई बार्बी भाई क्रेजी मूवी. फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी मेरे को पर्सनली काफी पसंद आई. हंसी मजाक लाइट हार्टेड गुड टॉपिक्स टच करे इधर उधर. सेकेंड हाफ बहुत बड़ा ड्रैग मतलब बाय मिड पॉइंट यू अंडरस्टैंड मूवी का डायरेक्शन क्या है. वो वोक कल्चर पे उन्होंने कॉन्सेप्ट लेके बार्बी फेमिनिन कॉन्सेप्ट सब एक साथ घुसा दिया उन्होंने. तो फर्स्ट हाफ में जब तक बढ़िया कॉमेडी चल रही थी तो सही लगा. सेकेंड हाफ में वो खींचे जा रहे हैं समझाए जा रहे हैं समझाने से लोगों को समझ में आता तो बात ही क्या थी. बट समझा क्या रहे हैं? यही तो कि दुनिया औरतें नहीं चलाती आदमी चलाते हैं और बार्बी की दुनिया बार्बी चलाती है कैन नहीं चलाते. Okay. तो मैं निखिल के साथ ही गया था एक्चुअली देखने बाकी और हमें ऐसा लगा एटलीस्ट मुझे पर्सनली मुझे पूरी मूवी में बहुत मजा आया बट
लास्ट 10-15 मिनट ना उन्होंने इतने ड्रैग किए और मेरी समझ में भी नहीं आ रहा उसमें आधी चीजें, फिर मेरे को बाद में गूगल करना पड़ा। आई डोंट लाइक इट व्हेन मूवीज मेक मी डू होमवर्क। बट मूवीज का एक पॉइंट ये नहीं है कि जैसे नोलन तो स्पेसिफिकली ये कहता है कि मेरी मूवीज का पॉइंट ही है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ एक चिंगारी उठे और फिर तुम बात करो अपने आसपास के लोगों से उसके बारे में और हमारा भी यही टॉकिंग पॉइंट बन जाए वो। आई गेस इसलिए मैं नोलन नहीं कुछ भी पॉडकास्ट से भी यही चाहते हैं। हाँ तो मैं मूवी मैं पेरेंट्स के साथ गया था ओपेनहाइमर देखने, तो मैं वैसे बात करना चाह रहा था, मम्मी से बात करी तो मम्मी बोली मैं तो सजासी काट के आई हूँ, क्या फालतू मूवी। ये तो भाई पिछले एक आध साल में मैं जब भी मम्मी को लेके गया हूँ ना पिक्चर देखने, मम्मी सो जाती है भाई, फिर उठ के कहती है क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मैं लास्ट मॉम के साथ शायद मिनियंस 2 देखने गया था, मजा आया था उसमें, वो तो फन मूवी। चलो अबे कंडू तूने कौन सी मूवी देखी के बारे में सुना कि लाइक लोग लोग हाँ, कौन सा सीन? इसको अच्छा नहीं मैं वो तू बात कर रहा था कुछ कौन सा सीन मैं कह रहा था वो लोग डिमांड कर रहे हैं गीता का सीन हटाओ गीता का सीन हटाओ उसमें से, तो गीता का सीन तुमने देखी नहीं है क्योंकि मैंने देखी है तो मैं बता देता हूँ लोग क्या देख लिया। अच्छा हाँ तो सबको पता ही है क्या सीन है वो, बेसिक एक्स वीडियो देख लिया एक्स, नहीं नाम तो अभी भी ट्विटर ही है। नहीं नहीं बट एक्स वीडियो तो देख लिया मैंने। हाँ तो उसपे वो बेसिकली गीता को सेक्सुअलाइज करा है कि इंटेलेक्ट को सेक्सुअलाइज किया है कि लाइक वो लड़की टर्न ऑन हो जाती है कि गीता भी पढ़ता है भाई, इसको तो संस्कृत पढ़नी भी आती है और वो लाइक क्या वो लड़की एपियोसेक्सुअल है, देवनागरी में लिखा हुआ है गीता तो जो दिखाते हैं, तो वो पढ़ के बताता है कि आई एम बिकम डेथ नाउ, तो मतलब कुछ हद तक डीमीनिंग सा तो है वो, बट पता नहीं काटना कूटना तो नहीं चाहिए कुछ मेरे ख्याल से, बंदे ने डाला है तो उसने कुछ सोच समझ के डाला। डीमीनिंग कैसे हुआ मेरे को समझ में नहीं आया, लाइक इफ इट इज बीइंग परसीव्ड एज समवन हु इज मतलब अगर कोई एज अ नॉलेजेबल प्रेजेंट हो रहा है तो आई थिंक हाउ इज इट डीमीनिंग, मतलब व्हाइल दे आर हैविंग सेक्स शी ओपन्स द बुक इन फ्रंट ऑफ हिम एंड टेल्स हिम टू रीड एंड हैव सेक्स विद हर। अच्छा गाइज अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड देखा हो तो मैंने एक चीज क्लियरली कही थी उसमें, नेवर स्टॉप लर्निंग। लास्ट नहीं देखा भाई, शॉर्ट व्यू है, लास्ट हमने भी नहीं देखा भाई। नहीं देखा है तो यहाँ पे जाके क्लिक करो यार, वो तो उसको एडवर्टाइज भी मत करो। एक तो सरकार तो डायरेक्शन ठीक दिया कर, अगर देना भी है सो अरे क्लिप कर देंगे वीडियो जब मैं हूं तो टेंशन मत। टॉकिंग अबाउट वायरल वीडियोस, ये मणिपुर वाला देखा क्या? मणिपुर वाला सीन काफी लाइक 180 डिग्री टर्न है अपने टॉपिक का, बट काफी हवा तो चला दिया उस एक पर्टिकुलर वीडियो ने, तो क्या थॉट्स है कुछ? देख सबसे पहली चीज तो कि आउटरेजियस है कि ऐसी घटना हुई एंड फॉर ओवर 2 months नाउ देयर वाज नो एक्शन इन पब्लिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एनजीओस की तरफ से, एक्टिविस्ट बॉडीज की तरफ से कहीं से भी कुछ सीरियस एक्शन नहीं लिया गया, इवन दो इट वाज इन पब्लिक, मीडिया की तरफ से भी। सो इवन दो द इंसिडेंट बिकेम पब्लिक नॉलेज फेयरली अर्ली आफ्टर द इंसिडेंट, कुछ नहीं हुआ, राइट? एंड दोज वुमेन हैव गॉन थ्रू द ट्रॉमा, पिछले 1-2 महीने में उन्होंने जो भी अपनी पर्सनल लाइफ को रीबिल्ड करने की कोशिश की होगी, आउट ऑफ नोवेयर द वीडियो इज बैक ऑनलाइन एंड नाउ इट्स अ सोशल आउटरेज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि ये आउटरेज क्रिएट हुआ, बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि फॉर दैट वुमन शी इज नाउ प्रोबब्ली रीलिविंग दैट इंसिडेंट फॉर द सेकंड टाइम। तो मैं अपने ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि एक्चुअली सिचुएशन है क्या वहाँ पे। तो 27 अप्रैल को सुप्रीम नहीं वहाँ की हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि मैत्रीज जो एक वहाँ पे ट्राइब है, कम्युनिटी है, उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाए अब, और पहले वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड कास्ट तो थी और अब उनको शेड्यूल्ड ट्राइब भी माना जाए। अब ये इश्यू इसलिए है कि जो मैत्रीज हैं वो वैली में रहते हैं, बाकी मैतीज तो मणिपुर का जो ज्योग्राफी वो ऐसा है कि लिटरली चारों तरफ हिल्स हैं और बीच में वैली है, वहां पे इम्फाल है और मेजर पॉपुलेशन वहां पे रहती है। तो अब वो 8-9% लैंड मास है टोटल, वो वहां पे कोई भी लैंड खरीद सकता है, जो हिल्स हैं वहां पे सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही लैंड खरीद सकती हैं और कोई लैंड नहीं खरीद सकता। तो मैत्रीज काफी टाइम से ये मैत्रीज आर नहीं है, अच्छा मैत्री कहां से आया है? चल एनीवेज
मैथीज वहाँ पे 9% एरिया में सीमित है और वहाँ पे मेनलैंड से लोग खरीद रहे हैं और जो ट्राइब्स बाकी जो हिल्स में रह रही हैं वो भी लैंड खरीद पा रहे हैं। तो उनका एक दिमाग में ये था कि अब हमारे पास फैलने के लिए जगह नहीं बची तो हमें भी स्केड्यूल ट्राइब मानो ताकि हम और जगह लैंड भी खरीद सकें। तो ये 27 अप्रैल को वो हुआ, इस पर फिर प्रोटेस्ट वगैरह हुए और एक ऑल इंडिया ट्राइब ऐसा वो ट्राइब कुछ सारे ट्राइब्स का स्टूडेंट यूनियन था कुछ, उन्होंने एक मार्च निकाला और चार मई को, और ये मार्च निकाल के मतलब वो मार्च अब किसने इनिशिएट किया किसी ने नहीं किया बट वो हेट्रेड वाला मतलब वायलेंट हो गया वो मार्च। इवेंचुअली कुछ घर जला दिए गए और जो वो यूनियन था उसमें मेजोरिटी कुकी लोग थे, कुकी एक अलग ट्राइब है वहाँ पे, तो फिर ये मैथीज और कुकीज के बीच का इशू बन गया। अब इशू इसमें ये कि कुकीज हर मतलब हिल्स में रहते हैं, छोटे छोटे क्लस्टर्स में अलग अलग जगह बसे हुए हैं पर मेजोरिटी सदरन मणिपुर में रहते हैं और इनके पास ये एसोसिएटेड रहते हैं कि ये पहले गांजे की और अब अफीम ओपियम की खेती करते हैं और म्यांमार से क्योंकि अब अफीम और ड्रग्स इन्वॉल्व हैं तो इनके पास लाइक आर्म्स भी आ गए क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये आर्म्ड माइनॉरिटी हैं और मैथीज वैली में रह रहे थे, उन्होंने फिर लूट लिए इंडियन आर्म फोर्सेज से, पुलिस की ट्रेनिंग स्कूल से कुछ हथियार लूट लिए। तो अब ये दोनों आर्म्ड हो गए हैं और अब अपन दिल्ली में बैठे बैठे तो नहीं बता पा रहे पर वहाँ पे लोग बाय फेशियल फीचर्स बता पा रहे हैं कि ये मैथी है और ये कुकी है, अब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और इनके पास आर्म भी है। तो ये काफी ज्यादा रिग्रेसिव सिचुएशन होगी, वायलेंस होना काफी इनएविटेबल सा हो गया वहाँ। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि वहाँ पे हाँ तो बोल, इम्पोर्टेंट ये भी है समझना कि बाय डिफॉल्ट मणिपुर हैज नॉट ऑलवेज बीन अ पीसफुल स्टेट, like it's had a long past of scuffle between, ठीक है, तो मतलब this goes on, इसको further उससे भी ये देखा जा सकता है कि again AFSPA बहुत important part of मणिपुर history रहा है जो अभी हाल फिलहाल में current government ने हटाया था कि थोड़ी सी normalcy लाने की कोशिश करते हैं, but again what we can see is that in the absence of any military authority in the region, the communities are very very violent with each other. And एक और भी चीज़ है कि अब जो कुकी कम्युनिटी है, इवन दो दे होल्ड पावर इन टर्म्स ऑफ लैंड इन द स्टेट, पॉलिटिकल पावर माइथीज होल्ड करते हैं बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन दैट दे हैव, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारी पॉपुलेशन के बेसिस पे बनती है, तो बिकॉज द लार्जर पॉपुलेशन इज द माइथी कम्युनिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मणिपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ 60-65 सीट है, उसमें से ओवर 40 ऑफ देम are held by Maithi community. Just अगर population basis पे देखें तो Maithis are 53% of Manipur का population, just one community. और cookies and जो और क्योंकि एक साथ में काफी सारे छोटे-छोटे community आ रखी हैं सामने से, तो predominantly जो Maithis है they are Hindus and जो सामने community है उसमें बहुत सारे religious basis पे cookies are Christians mostly. और भी छोटे-छोटे जो communities आ रखे हैं, तो cookies का something 30% population. तो population wise right, less than 5% so, cookie whole... as a community less than 5% okay so shayad bahut saath jo baki population hai manipur ki they are a combination of over 8 tribes to pura matlab again this is something that most of india doesn't understand but northeast ka agar past dekho to it's been lived by many many small tribal communities in their own tribal regions unka unification hua princely states ke under उसके बाद उनके बीच में एजिटेशन चले, अभी भी बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, नागास की पासिंग फॉर देयर ओन कम्युनिटी कहीं पे, ये माइथीज और कुकीज भी अभी यही कह रहे हैं कि मेरे को अलग दे दो। तो इट्स बीन अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू इंटीग्रेट द नॉर्थ ईस्ट क्योंकि वो जंगल में अभी भी काफी हद तक हंटिंग पे डिपेंडेंट है और हंटिंग के रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो ये ट्राइब इस एरिया में हंट करेगी, वो ट्राइब इस एरिया में हंट करेगी, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, और क्योंकि वो हंटिंग है तो वो आर्म्ड भी है, तो ऑलरेडी उनके हिस्ट्री है कि एक विलेज दूसरे विलेज में रेड करता रहा है, ऐसे ऐसे सिचुएशन हो चुकी है, बट प्रेजेंटली हुआ क्या है कि कंप्लीट सेग्रीगेशन हो गया, लिटरली हिल्स पे सारे कुकीज हैं और वैलीज में मैथीज हैं, तो उन्होंने अपने अपने गांवों के पास ट्रेंचेस डिग कर लिए हैं और आर्म्ड लोग वहां पे, आर्म्ड विलेज वॉलंटियर्स वहां पे अब रात को भी लाइक मतलब अपने हाँ सिक्योरिटी मेंटेन करके रख रखे हैं और बीच में आर्मी आ गई है, जो उनके ट्रेंचेस के बीच वाला एरिया वहां पे आर्मी आ गए, तो कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, गोली गोली चलती है, तो आर्मी पहले दोनों के विलेजेस में हेडकाउंट चालू कर देती है।
कि कितने लोग गायब हैं, कितने लोग कहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इंटरनेट बंद है, वो वॉकी टॉकी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो अब ट्रेंचेस तक की सिचुएशन आ चुकी है, लाइक लिटरली वॉर वाली, लाइक सिविल वॉर वहां पे ऑलमोस्ट हो गया है, और फिर कुछ अथॉरिटीज पे भी डाउट हो चल रहा है कि कौन किसकी साइड है। कुछ कह रहे हैं कि असम राइफल्स रिलेटिवली कुकीज की साइड है, मणिपुर पुलिस मैथीज की साइड है, और ऐसे वीडियोस भी हैं जहाँ पे मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, काफी टेंस सिचुएशन है, लाइक अपनी AKs को वो लोड करके तैयार कर रहे हैं, पत्थर पुत्थर उठा रखे हैं। ये वीडियो में देखी मणिपुर पुलिस वाले असम राइफल्स को अपने एरिया से भगा रहे हैं, असम राइफल्स ने एक बैरिकेड बना दिया था, और मतलब ऐसे काफी टेंस सिचुएशन हो रखी थी, काफी स्केरी सी वीडियो वो। तो अब और कोई सोल्व करने की तरफ कुछ चल नहीं रहा है यहाँ पे। Then in what and in among all this, where does that video fit into context? Like, तो ये video initiate हुआ था काफी पहले, 79 days तक, जब वो आया parliament चालू होने से, parliament के session चालू होने से पहले, उससे 79 days पुराना video है वो, मई का, मई start का video है वो। तो वहाँ पे हुआ क्या था कि मैथीज community के बीच में एक video, एक news फैली थी, fake news, दिल्ली में किसी owner killing case की body की photo, ऐसा दिखाया गया था कि ये कुकीज ने इस फीमेल का रेप करके मार दिया, वो फेक न्यूज फैली मैथीज के बीच में, और उसके रिटेलिएशन में दे डिसाइडेड कि रेप का बदला रेप होता है, और फिर उन्होंने एक मैथीज ने एक गांव पे अटैक किया, कुकीज के गांव पे अटैक किया, और कुकीज के 5-6 लोग, काफी लोग भाग गए, 5-6 लोग बच के कहीं तरह किसी तरह पुलिस के हाथ आ गए, और पुलिस उनको वहां से बचा के ले जा रही थी, और फिर मैथीज के लोगों ने उस पुलिस के उसको सराउंड करके, और फिर पुलिस ने उनको दे दिया मैथीज को, कुकीज लोगों को। उसमें एक पर्टिकुलर फैमिली थी, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, फादर और ब्रदर को मार दिया, और मदर और सिस्टर को वीडियो में है वो बेसिकली। तो काफी डायर सिचुएशन है, और ऐसे काफी सारे केसेस है, दोनों मैथीज भी बोलते हैं कि हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ भी ये हुआ है, और कुकीज भी बोल रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ भी ये हुआ है। मेरे हिसाब से तो the only way this can be brought down right immediately is the government of current time in the state needs to be put aside. Aapko central law lagane ki zarurat hai, governors president's rule lagao aap, bring the army back with authority into the streets of town cities. But like center mein bhi wahi government hai, state mein bhi wahi government hai, to aisa to hai nahi ki kahin coordination mein issue ho raha hai, कहीं उधर फ्रिक्शन आ रही है। मैं कोऑर्डिनेशन, सी द प्रॉब्लम राइट नाउ इज नॉट, मेरे हिसाब से द प्रॉब्लम राइट नाउ इज नॉट द गवर्नमेंट, द प्रॉब्लम राइट नाउ इज द कम्युनिटीज को, यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड के आपको ब्रिजेस वापस बनाने हैं, ब्रिजेस टूट चुके हैं दोनों कम्युनिटीज के बीच में। सी द ओनली वे पीसफुल एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल जब दोनों कम्युनिटीज के बीच में एक भाईचारा रहे, वो भाईचारा बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके हिसाब से मेजॉरिटी मेरा दुश्मन है, और जो गवर्नमेंट इन प्रेजेंट पावर है वो मेजॉरिटी के हाथ में है, क्योंकि मेजॉरिटी के पास सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। तो वहां पे गवर्नमेंट, इट इज नो लॉन्गर अबाउट स्टेट एंड सेंटर का कोऑर्डिनेशन, इट इज अबाउट द पीपल ट्रस्टिंग देयर ओन गवर्नमेंट, एंड वो तभी पॉसिबल है जब आप अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन को शांत करने के लिए बोलो कि आपको करंट चीफ मिनिस्टर से प्रॉब्लम है, आपको करंट डिस्पेंसेशन से प्रॉब्लम है, इनकी पावर हमने हटा दी, ठीक है, अब आप हमारी बात सुनो, कम टू द टॉकिंग टेबल, आप दुश्मन से बात करो, हमसे बात करो, लेट्स सी हाउ वी कैन सॉर्ट दिस आउट। अभी प्रॉब्लम इज जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है वहां पे, वो बीच बीच में ऐसे बेकार कमेंट्स दे रहे हैं जहां पे ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। हाँ, कुकीज भी यही कह रहे हैं कि पहला हमारा डिमांड ये है कि बीरेन सिंह को, जो सीएम है, इसको हटाओ, और फिर हम टॉकिंग टेबल पे आएंगे, क्योंकि बीरेन सिंह ने कुछ ऐसे ट्वीट्स किए थे कि ये टेररिस्ट हैं, और ये मतलब वो उसकी पार्शियलिटी समवॉट दिख रही है जो अब उसने ट्वीट डिलीट कर दिए, और फिर अब नॉट जस्ट पार्शियलिटी, मुझे बीरेन सिंह का एक और चीज लगी, उसने एक कमेंट किया था बीच में, लाइक जब ये वीडियो वायरल हुआ था, ही सेड कि वी आर अशेम्ड दैट Such a video has come out. हाँ. ना, उसका पूरा इमेज क्लैरिटी पे था कि PR इमेज मेरी हर्ट हो रही है कि ये वीडियो निकला है, इस बात से शर्मिंदा है, उसने ऐसा भी कहा था कि ऐसे तो 100 केसेस हो रहे हैं, तो ये प्राउड होने की बात तो नहीं है, काफी काफी ड्रास्टिक, काफी अजीब सा फील, एंड रियली रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट दे आर डूइंग देयर। एंड वो ही प्रॉब्लम है कि इवन दो मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेंट मोर देन 30,000 रिजर्व फोर्सेस भेज चुकी है अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट, बट जब तक उनको फ्री हैंड नहीं मिलेगा तब तक इट्स वेरी हार्ड टू टेक अ डिसाइसिव कॉल, क्योंकि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे स्टेट की पावर है, ठीक है, अब आप सेंटर फोर्स को भेज के उनसे कंट्रोल कुछ नहीं करवा सकते, आप बस उनको खड़ा कर सकते हो चौकीदारों की तरह, बट उस चौकीदार को जब तक लाठी मारने की परमिशन नहीं मिलेगी
तब तक बहुत मुश्किल है. सो द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द करंट टाइम नीड्स टू बी पुट असाइड फॉर द मोमेंट. ये जो वीडियो जो आउट हुआ, बिल्कुल जो पार्लियामेंट सेशन के पहले ही आउट हुआ ये वीडियो, एक्चुअली मणिपुर वायलेंस का बात होनी थी पार्लियामेंट में एंड इट वॉज शेड्यूल्ड टू बी. ठीक है, इसने और प्रोपेगेट किया कि ये बातें अब होनी ही होनी चाहिए. तो इस पे क्या किसी का कमेंट है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने सेशन शुरू होने से एक दिन पहले एक तो इस पे कमेंट किया था अबाउट दैट वीडियो, स्पेसिफिक वीडियो, बट अभी तक मणिपुर वायलेंस पे कोई बात नहीं हुई है जो कि हेड ऑफ द स्टेट से आए. नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन पहले नहीं बोला. प्राइम मिनिस्टर जो सुबह को टोकन स्पीच देता है बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ सेशन, उसमें उसने हाईलाइट किया दैट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन मस्ट गो अनपनिश्ड, नहीं मस्ट बी पनिश्ड सिवियरली पीपल, उस तरीके से. एंड उसी सेंटेंस के फ्रेम में उसने ही ऑल्सो मैंशनड अदर ऑपोजिशन स्टेट्स. ठीक है, तो इट वॉज मोर लाइक के मोर देन अ फोकस्ड इवेंट इट इज कि कहीं पे भी किसी के भी साथ बुरा होता है, औरतों के साथ, महिलाओं के साथ. इट वाज मोर अबाउट हिज पीआर देन द एक्चुअल इशू, मोर देन कवरिंग योर ओन एज देन पुटिंग इट ऑन द लाइन. तो पीएम लाइक उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पीएम मोदी का लाइक ये काफी केसेस में ऐसा रहा है कि लाइक उसका परसेप्शन ऐसा बनाना है कि मोदी डजंट मेक मिस्टेक्स. तो व्हेनेवर एनीथिंग शिटी हैपेंस प्राइम मिनिस्टर डजंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन इट. रेसलर प्रोटेस्ट, फार्म लॉज वाले में भी बहुत टाइम बाद बोला, इस मणिपुर वाले स्पेसिफिक में, कि उसको ऐसा परसेप्शन बनाने की ही डजंट मेक मिस्टेक. तो मेरे को लगता है कि इसी वजह से वो बीरेन्द्र सिंह को नहीं हटा रहा. एक तो कम्युनल एंगल भी आ गया कि मेजोरिटी वोट्स भी उसी को मिल रहे हैं, और एक ये कि अगर वो हटाता है तो वो ऐसा दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे हमने गलती कर दी थी, ये रिकॉर्ड में एस्टेब्लिश हो जाए. क्या लगता है ये, मैं कोई ऑफ हूँ? काफी बार एक्चुअली इसमें मेरे को लगता है क्या कि थोड़े से हार्ड पोजीशन में बीजेपी एज अ यू नो लाइक हिंदू बेस्ड पार्टी भी आ जाती है ना, क्योंकि मैटीज के साथ जब भी वो एसोसिएट किया जाता है ना, तो काफी ज्यादा मैसेजिंग हो चुकी है मणिपुर साइड से कि दिस मैटीज पीपल आर हिंदूज. ठीक है, एंड एनीथिंग अगेंस्ट देम लाइक, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ समझौता करानी है तो समवन विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज, और मेरे को लगता है कि ऑन अ लार्जर लेवल इन्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा मैटीज को, क्योंकि इनके डिमांड्स ज्यादा यू नो लाइक इनके डिमांड्स हैं फॉरवर्ड. ठीक है, तो और ये मैसेजिंग मणिपुर से मैंने पहले कहा कि हो चुकी है ऑल ओवर इंडिया में, ये बात फैल चुकी है कि ये प्रीडोमिनेटली हिंदूज हैं, और यही प्ले कर रहा है बीजेपी के माइंड में भी आई गेस कि अब हम इस पे क्या कॉल लें, क्योंकि खुद ये हिंदू बेस्ड पार्टी है. देख, मेरे लिए ऐसा है कि आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द स्पेसिफिक्स ऑफ ऑन विच टॉपिक द प्राइम मिनिस्टर हैज कॉमेंटेड एंड हैज नॉट कॉमेंटेड, क्योंकि वो फिर मैं पास डेटा लेके बैठूँ तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स हैव नेवर डन अ ग्रेट जॉब. ठीक है, तो इट्स नो लॉन्गर फॉर मी अबाउट नरेंद्र मोदी एज अ पर्सन, इट इज अबाउट द इंस्टीट्यूशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो वैल्यू. यहाँ पे इस वाले सीन में मुझे प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि डिबेट पार्लियामेंट में एक वैलिड तरीके से हो, उसके बाद ऑपोजिशन अनहैप्पी रहे आफ्टर लिसनिंग टू, अभी जैसे अमित शाह केम एज द होम मिनिस्टर सेड के आई एम रेडी टू एक्सेप्ट अ डिस्कशन एंड डिबेट बट आई विल बी द वन स्पीकिंग. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा. ठीक है, अभी मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि एटलीस्ट पहले होम मिनिस्टर की बात सुन लेते हैं, उसके बाद होम मिनिस्टर की बात से मैं ना खुश हूं ना तो मैं अपनी वो व्यक्त कर दूंगा कि भाई ये होम मिनिस्टर जो बोल के गया दिस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट कम एंड स्पीक. ऑपोजिशन का जो ये स्टैंड है ना कि हम प्राइम मिनिस्टर आएगा तो सुनेंगे वरना तो हम किसी की सुनेंगे ही नहीं, तो बट इसमें प्रॉब्लम ही है, सिर्फ ऑपोजिशन ही हो रहा है वहां पे, कॉन्वर्जेशन तो हो ही नहीं रही. बट इसमें प्रॉब्लम ही है ना कि ऑपोजिशन को भी पता है कि अगर अमित शाह ने बोला है कि वो बोलेंगे तो वही बोलेंगे, उनको पता है कि वंस अमित शाह फिनिशेस हिज थिंग ना, तो अब कुछ भी कर ले ऑपोजिशन सामने से, अब मोदी नहीं आने वाला कहने के लिए कुछ भी उस पे, क्योंकि उनका ये रहेगा हमेशा. और ऑपोजिशन मांग भी रहा था कि लाइक फुल डे का डिबेट करो, वो उनको ग्रांट नहीं हुआ, उनको ढाई घंटे का एक छोटा डिबेट ही ग्रांट हुआ है. ये भी एक बड़ा इशू है जिसकी वजह से ऑपोजिशन कह रहा है कि ये हमें नहीं चाहिए. आई डोंट नो कि एक दिन का आधे दिन का, मेरे का ये है कि डिबेट हो. ठीक है, डिबेट हो, इसको लोगों को पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है. एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन रखी है कंट्री में, और आप G20 समिट्स करा रहे हो उसी टाइम पे. ठीक है, एक प्राइड भी आप पुश कर रहे हो उसी टाइम पे, पूरे कंट्री में कह रहे हो कि हम G20 समिट करा रहे हो और ये करा रहे हैं, और एक जो गवर्नमेंट पे से डिबेट कर रही थी वो था भी उस चीज पे, सेफ्टी ऑफ वुमेन पे, ना कि मणिपुर. नहीं, टू लेटर पढ़ जो होम मिनिस्ट्री ने भेजा है लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, उसमें उसने बहुत स्पेसिफिकली मणिपुर का इंसिडेंट मेंशन किया, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में, ये कोई मेरी कही बात नहीं. अच्छा,
उसने लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों में उसने लेटर लिखा है, उसमें उसने बहुत स्पेसिफिकली मणिपुर शब्द यूज किए. मतलब बट आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज दैट अ कन्वर्सेशन नीड्स टू हैपन. स्टोन वॉलिंग अ कन्वर्सेशन इज नॉट द राइट अप्रोच. यस, मतलब इट कैन नॉट बी द राइट अप्रोच. हाउ कैन यू स्टोन वॉल अ कन्वर्सेशन कि यू वांट टू हैव दिस विद समवन इन पर्टिकुलर, मतलब कि कुछ बात ही ना हो उसके बारे में. प्राइम मिनिस्टर ने मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इनॉग्रेट किया, ओपनिंग स्पीच दी, एंड नेक्स्ट डे ही इज ऑफ टू राजस्थान टू डू कैंपेनिंग रैलीज. तो वो ठीक नहीं बैठा मेरे को कि आप, बिकॉज़ ये डिबेट वाला पूरा पार्ट है, पीपल आर आस्किंग यू फॉर अ कन्वर्सेशन, एंड आपने अपना प्रपोजल दिया कि होम मिनिस्टर देंगे, एंड यू एसेंशियली फ्लेड अवे कि मैं अपनी पार्टी की कैंपेनिंग करूंगा, ताकि इवन नेगोशिएशन का स्कोप ही नहीं बचे कि हाँ हमें प्राइम मिनिस्टर चाहिए, वो स्कोप छोड़ा ही नहीं. और राजस्थान की रैली की स्पीच सुन मोदी की, वो कह रहा है कि हमारी बेटियां सेफ नहीं है राजस्थान में, इसलिए हमें बीजेपी को लेके आना पड़ेगा. यहाँ पे ये वाली बात जो सरदार ने कही वो इतनी ज्यादा वैलिड है ना, यहीं पे मुझे लगता है कि ऑपोजिशन कुछ चीजों में पीछे रह जाती है. आप कॉन्वर्जेशन होने देते और फिर देश में ये नैरेटिव बिल्ड करते कि देखो हम तो कॉन्वर्जेशन करने खड़े हुए संसद में, ठीक है, एंड प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर वहां कहीं खड़ा कुछ और बातें कर रहा, ठीक है. तो दैट मैसेजिंग आई थिंक वुड अपील मोर टू द ऑडियंस जो समझ रही है कि हाँ ऑपोजिशन वॉज डूइंग इट्स बिट ट्राइंग टू हैव अ लॉजिकल वैलिड आर्ग्यूमेंट इन द हाउस, ठीक है, एंड द प्राइम मिनिस्टर वॉज एबसेंट फ्रॉम दैट कॉन्वर्जेशन. अभी क्या हो रहा है, ऑपोजिशन बात ही नहीं होने दे रही, प्राइम मिनिस्टर भी एबसेंट है सीन से, देश नेट जीरो में ही चल रहा है. मतलब ये इधर उंगली उठा रहा है, वो उधर उंगली उठा रहा है, बट लॉस पे तो हम लोग है ना, मतलब लाइक द कंट्रीज एट अ लॉस. तो एक इशू ये भी है कि बीजेपी स्पेसिफिकली हर जगह वोट मांगती है तो मोदी के नाम से मांगती है, मोदी को फेस दिखा के मांगती है, और हर कोई अच्छी चीज होती है तो वो मोदी सर्वप्रिय है हमारे कि इन्होंने किया है, तो जब कुछ गलत होगा तब वो अमित शाह क्या से बात क्यों करें. अरे मतलब हिस्ट्री में भी लाइक ऐसा नहीं है जो ध्रुव ने जो कहा उसका थोड़ा सा तो वो थोड़ा मेरे को वैसा लगा कि हिस्ट्री में अभी तक सारे पीएम्स इंक्लूडिंग नेहरू इंक्लूडिंग मनमोहन इंक्लूडिंग वाजपेयी इंक्लूडिंग इंदिरा, इमरजेंसी को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, वो तो डिक्टेटरशिप चल रही थी उस टाइम, बट एट दैट टाइम सबने कुछ ऐसा इतना बड़ा इंसिडेंस जो 3 महीने तक चल रहा है उस पर तो ऐसा कोई नहीं है कि 3 महीने तक कुछ ना बोल रहा हूँ, ऐसा कोई पीएम नहीं है, और रिलेटिवली करंट पीएम से ज्यादा ही बोलते थे इवन फॉर माइनर सिचुएशंस. फ्लोर ऑफ द हाउस का डिस्कशन है ना यहाँ पे, फ्लोर ऑफ द हाउस में कितने पीएम्स ने खड़े होके सेंसिटिव टॉपिक्स टच करे. सी द डिमांड हियर बाय द ऑपोजिशन इज फ्लोर ऑफ द हाउस में प्राइम मिनिस्टर बोले. प्राइम मिनिस्टर अब आके सीधा क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे. अब ये वो टैक्टिक भी खेल रहे हैं कि जो नो कॉन्फिडेंस वोट वाली टैक्टिक है जो पहले मनमोहन पे उस पे नेहरू पे भी खेली गई थी ड्यूरिंग चाइना वॉर, और वैसे उस टाइम नेहरू तो बोला था कि ठीक है कम से कम डिस्कशन तो हो गया इसी बहाने ऑलरेडी, क्योंकि उस टाइम भी वो 360 के वोटों से जीत के आए थे, 360 सीट थी उनके पास, तो ओपोजिशन को पता था कि नो कॉन्फिडेंस वोट नंबर गेम करेंटली, अभी भी नो कॉन्फिडेंस वोट तो फेल हो गया, बट ऐसा प्रचलन है कि जो नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद पीएम एक स्पीच देता है, जो पूरे नो कॉन्फिडेंस वोट को समराइज करके कैसा कैसा फील हो रहा है इसके बारे में, तो उनका ये ऑपोजिशन का ये है कि अब इस चक्कर में पीएम बोलेगा तो मणिपुर पे बोलना पड़ेगा उसको, जो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि नहीं, बट उसमें भी एक बहुत गलत चीज कर रही है बीजेपी कि आइडियली द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट जैसे ही मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक्सेप्ट हो बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस द फर्स्ट मैटर ऑफ द हाउस दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड डिबेटेड एंड कंप्लीटेड इज द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है. अभी स्पीकर ऑफ द हाउस इज एक्सेप्टेड द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और कल और आज में दोनों में 6-6, 7-7 बिल पास हो गए, तो क्लियरली जो प्रायोरिटी ऑफ द हाउस है वो नहीं कंप्लीट हो रही है. अभी हम बिल पास करा लेते हैं, आखिरी दिन पे देखेंगे हम के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का क्या. हाँ, 10 दिन होते हैं स्पीकर के पास टाइम डेट देने के लिए कि आप नो कॉन्फिडेंस वोट होगा. सॉरी मैं पहले शिवांग को इंटरप्ट किया, मैं कन्नव को कर रहा हूं, पर कन्नव तो बोल शिवांग को मौका नहीं. पॉइंट ये है कि बेसिकली इनको एक पेडिस्टल पे जो मोदी को इन्होंने खड़ा कर रखा है उसको इनको उसकी इमेज में अलाइन करनी है. इनको फर्क ऑनेस्टली किसी को फर्क पड़ नहीं रहा है कि क्या हो रहा है कंट्री में, इन लोगों को बस अपना गेम खेलनी है, तो लोग बैठ के गेम खेल रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस वोट आएगा वो कुछ बोलेगा, तो जो वो करेक्ट इमेज थी कि हम कोई गलती नहीं करते वो थोड़ी मिलाइन हो जाएगी. ऐसा मत बोल भाई, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा है. हाँ, पर पीआर का गेम तो काफी हद तक है पॉलिटिक्स, और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने जो इंडिया की पीआर है उसको भी काफी हद तक हैम्पर किया है. स्पेशली इंडिया की पीआर, नहीं नहीं इंडिया की पीआर, इंडिया लाइक भारत की पीआर, नहीं मैं इंडिया की पीआर की भी बात. भाई ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है इन्होंने ऑपोजिशन वालों, भारत की पीआर को हैम्पर किया है.
हाँ तो एक ऐसी चीज की बात कर लेते हैं कि लाइक जिसने इंडिया का नाम ऊपर किया है पीआर में, जो अपना है चंद्रयान, इसरो अपना साइड में कोने में बैठा इस सब से कान बंद करके अपना काम कर रहा है बढ़िया से और फोड़ रहा है। चंद्रयान 3 उन्होंने लॉन्च कर दिया है जो अभी तक काफी सही सक्सेसफुल चल रहा है। शायद एक पोलिश कंपनी ने टेलीस्कोप की एक वीडियो भी भेजी थी जिसमें दूर से एक छोटा सा डॉट दिख रहा है कि अपना चंद्रयान जा रहा है, जा रहा है क्या भाई अपना। तो अभी वो रिसेंटली 1 अगस्त को अपना लास्ट मैनूवर करेगा अर्थ के ऑर्बिट से निकल के, फिर जाएगा वो मून की तरफ। लास्ट स्पेशियल मैनूवर, अच्छा मून के ऑर्बिट रेजिंग। अभी 5 बार उसने अर्थ के अराउंड घूमने हैं जिससे वो अपना ऑर्बिट रेज कर करके अर्थ की ग्रेविटी एस्केप करेगा एंड देन इट विल गो टुवर्ड्स द मून। फिर उसके बाद मून के अराउंड 3 बार घूमेगा एंड देन इट विल गेट ट्रैप्ड इनटू मून्स ऑर्बिट आइडियली, ये उनका वो है। बट लाइक बहुत फाड़ कर रखा है इन लोगों ने, मतलब इस पे इन्होंने लाइक इसको 14 जुलाई को लॉन्च किया था एंड इसका जो ये है ये चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से एक तो कम पैसों में बना है। चंद्रयान 2 वाज जो 2019 में फेल कर गया था लैंड करना लाइक 2.1 किलोमीटर अबव, वो बेचारा कम्युनिकेशन पार्शियली फेल होकर गया था। हाँ कम्युनिकेशन वो हो गया था एंड उसमें इन्होंने ये बोला था कि भाई सब नॉमिनल कंडीशंस थी, बट इन्होंने काफी इंप्रूवमेंट करके इस बार इन्होंने चंद्रयान 3 भेजा है एंड इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ लैंडिंग इज लाइक August 23, 5:47 PM IST एंड मुझे लग रहा था 15 अगस्त तक करवाएंगे मोदी जी। नहीं भाई मोदी जी स्पेस में नहीं काम कर सकते, बट करते हैं भाई, डोंट नो दैट। हाँ तो अगर ये लैंड कर जाता है ना तो इंडिया विल बी एक तो द फर्स्ट टू द साउथ पोल ऑफ द मून, जहाँ पे हमारे ही लोगों ने कंफर्म किया था कि हाँ भाई पानी है यहाँ पे हमारे। वो डिबेटेबल है थोड़ा सा, मतलब व्हाट इफ जितना इन्फॉर्मेशन चंद्रयान टू ने कंफर्म किया था। चंद्रयान 2 में 2 सेंसर्स थे, एक इंडियन था एक नासा बेस्ड था। नासा कहता है नासा ने बताया, हम कहते हैं हमने बताया, तो कॉमन कंसेंसस दोनों बाईपार्टिसन एक्सेप्टेंस ये है कि चलो चंद्रयान 2 ने बताया पानी है, अबे हमने ही बताया। एंड अगर हम भाई सक्सेसफुली पहुंच जाते हैं वहां पे तो हम 4th नेशन होंगे इन द वर्ल्ड, लाइक चाइना, सोवियत यूनियन, फॉर्मर सोवियत यूनियन और यूएस के बाद जिसने मून पे लैंड कर लिया। तो काफी लैंड तो पिछली बार भी कर गए थे हम, बस वो सॉफ्ट लैंडिंग थी पिछली बार। इस बार इन्होंने लैंडिंग वाले रोड्स को थोड़ा और मजबूत किया है और कुछ एडिशनल सेंसर्स लगाए जिससे वो अपना स्पॉट लास्ट मोमेंट तक चूज कर सकता है, लैंडिंग क्राफ्ट। रेंज भी बढ़ा दी, पिछली बार 2 किलोमीटर की रेंज लेके भेजा था रेडियस के, इतने में लैंड करना है, इस बार कुछ किया है 10 किलोमीटर के आसपास के भाई। और एक छोटा सा रोवर भी डाला है उसमें। नहीं रोवर तो लास्ट टाइम भी था। अच्छा रोवर लास्ट टाइम भी था, पिछली बार गिर ऐसे गया था कि वो दरवाजा नहीं खुल पाया रोवर तो बेचारा अंदर बैठा रह गया। तो कनुआ पर रोवर पे नहीं, बट कनुआ ने कॉस्ट की मेंशन किया कि इट्स चीपर देन चंद्रयान 2। हां तो इज इट चीपर बिकॉज़ इस बार हमें वी डोंट हैव द ऑर्बिटर मॉड्यूल, क्योंकि ऑर्बिटर मॉड्यूल चंद्रयान 2 का हम वी आर एबल टू रीयूज ना। नहीं आई अज्यूम इट इज चीपर क्योंकि हमने आधी से ज्यादा आरएनडी तो कर रखी है। कॉस्ट ऑफ आरएनडी जो थी तुम्हारी मेजर टू फिगर आउट क्या बनाना था वो तो हमने, बट डज इसरो कंसीडर आरएनडी कॉस्ट एज अ कॉस्ट इन इट्स प्रोजेक्ट कॉस्ट? तुम प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट तो पूरा ही पूरा होगा ना यार, इंक्लूडिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। नहीं बिकॉज़ अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज बिल्ट इज इंटर यूजेबल। नहीं नहीं एक लेट्स से कि एक कंपोनेंट उस समय बना रहे थे चंद्रयान 2 के टाइम पे, वो फेल कर गया, ठीक है वो काम नहीं किया, उन्होंने फिर से उस पे रिवर्क करना पड़ा, एक और कंपोनेंट उन्होंने बनाया, बट वो जो कंपोनेंट फेल किया उसका भी पैसा तो ऐड होगा ही ना पूरे प्रोजेक्ट में। वही जो फेल किया इस बार वो फेल नहीं किया क्योंकि उन्होंने पहले से काम कर रखा था, तो दे नो कि व्हाट गोज रॉन्ग। नहीं तो अब मतलब मैंने तो जो प्रोजेक्ट डिटेल्स पढ़ी थी उसमें देयर इज नो मेजर चेंज टू एनीथिंग दैट वी आर सेंडिंग, इट्स एवरीथिंग इज प्रीटी मच द सेम। थोड़ी सी रिडंडेंसीज क्रिएट करी है, एक दो सेंसर एक्स्ट्रा डाल के भेजे हैं कि भाई एक से बात ना हो तो दूसरे से बात हो जाए। उन्होंने जैसे सक्कू ने बताया द लैंडर का बेस मॉड्यूल में जो लेग्स हैं उसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इंप्रूव करी है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा वाइडर किया है, ऐसे बहुत माइनर करेक्शंस करे हैं। बट दो ये जो मून है लाइक हम एज ह्यूमैनिटी हम लोग मून से इतना फैसिनेटेड रहे हैं ना फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, मतलब तुम आर्टिस्ट को ले लो, एंशिएंट मिथ्स ले लो, गॉडेसेस ले लो, तो सिंस लाइक द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी हमेशा से देयर इज वन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन द स्काई जो रात को सबसे ज्यादा चमकता है एंड इट इज ऑलवेज देयर इन वेरिंग शेप्स एंड साइजेस, उसकी अक्रॉस द मंथ साइज चेंज होता रहता है, बट
इट इज देयर एंड ऑल कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन फैसिनेटेड बाय इट. एक तो बड़ी कूल चीज है कि जो मून मैं यहां देखता हूँ ना अक्रॉस द ग्लोब अमेरिका में उनको सेम मून दिखता है बिकॉज मून ऐसे घूमता है कि उसका जो फेस हमें अर्थ को फेस कर रहा है दैट इज ऑलवेज फेसिंग द सेम डायरेक्शन राइट. तो एक वैसा सा अच्छा सा लगता है दिल में कि हाँ मैं जो चांद देख रहा हूँ वो भी वही चांद देख रही है उस टाइप का. सूरज नहीं दिखता ना आधी अर्थ को वैसे तो चांद भी नहीं दिखता ये सूरज की आंखों में नहीं बट फिर जिसको दिखता है उसको वही दिखता है सूरज वही बात तो शिवांग की सही है. अब चांद जो है कर लेते हैं और सूरज तो अपना अपने शेप भी नहीं चेंज करता है ये मून तो भाई गानों में भी हमने चांद को ग्लोरीफाई किया मतलब सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा ये क्या बात है. अरे ये सूरज इज टू हॉट टू हैंडल तो हो गई है वो बता रहा है आर्टिस्ट आर्टिस्टिक वे में बता रहे कि रात हो गई है सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा. तो लिटरेचर में ना चांद को हमेशा एज ए लाइक सिंबल फॉर लव दिखाया गया क्योंकि चांद पे भी दाग है. हाँ जैसे एक गाना है जिसमें वो कहता है चांद में दाग है लेकिन कुड़िए चांद में दाग है लेकिन कुड़िए तुझमें कोई नहीं खराब है. लेकिन अब इसमें भी ये मेरे को बताओ कि अब ये क्या मतलब है कि ये नहीं कि तो बंदर की पूंछ है पर तेरी कोई पूंछ नहीं ये क्या बात है. अरे बिकॉज़ चांद इज द एपिटोम ऑफ ब्यूटी बट यू आर बेटर देन दैट. ही इज बेटर देन मच ब्यूटी एंड मोर बट तुम लोग को लगता है चांद चिकन पॉक्स हो रखा हो कुछ नहीं जैसे चिकन पॉक्स हो रखा है हर जगह छेद हो रहा है. चांद अंधेरी रात में क्लियर स्काईज में तो चांद इज मोर ब्यूटीफुल इफ यू लुक एट इट द सूरज से तो ज्यादा सुबह से तो ज्यादा ही अच्छा लगता है. मतलब चांद की प्यूबर्टी नहीं खत्म होके दे रही एक्ट नहीं जा रहा उसका. और जब स्नीक आउट करना होता है रात को तो भी वो फालतू में रोशनी करे रहता है. चांद से ना लोग पगला जाते हैं. पीपल गेट मैड इन लस्ट और इन एनवी या इन एंगर इन एनीथिंग बट इट जस्ट एनहांसेस एंड मल्टीप्लाइज योर इमोशंस. मून की कुछ ऐसी पावर है वैसे दिल में लग रहा है मेरे दिमाग में वेयरवुल्स आ रहा है. हाँ तुम देन ये फैंटेसी वर्ल्ड में भी देखो तो इतने सारे मून रेफरेंसेस हैं. हैरी पॉटर देखी हो तो तुमने पता है जॉर्ज लुपिन ऐसे वो देखता था चांद को वो सब हो जाता था. बाकी इवन हमारे हिंदी का एक ना आई वांट टू शाउट आउट टू ये एक बुक है आई डोंट नो आपको कैमरा में कितनी दिख रही है. बोल दे इट इज कॉल्ड आई स्वॉलोड द मून द पोएट्री ऑफ गुलजार सर. ये है बाय सबा महमूद बशीर. उसने बेसिकली एज अ पूरा ऐसे गुलजार की पोएट्री स्टडी की है मून रेफरेंसेज रेन रेफरेंसेज में बहुत सारी चीजें हैं. बट दिस अ ग्रेट बुक आई रेकमेंड हमारे लिसनर्स को कि ये जरूर पढ़ें. लिख लेता हूं मैं पढूंगा रुक जा. और ना मैं आई स्वॉलोड द मून मैं चांद लिगल गया. चांद बाकी बस मैं थोड़ा चांद तो अच्छा नहीं हनुमान जी तो सूरज निकले कहे थे. हाँ वो थोड़ा बड़े लेवल के थे वो ओजी थे वो. अरे उनको सेब खाना था भाई आम खाना था भाई लाल रंग का कौन सा वो भाई सूरज. एक ना मैं बस लास्ट में कि बॉलीवुड में नॉट जस्ट बॉलीवुड लाइक इंडियन फिल्म्स में काफी जगह चांद का यूज कर रखा है बहुत अलग अलग तरीके से. मतलब कुछ एज अ वेरी लॉन्गिंग तरीके से दिखाते हैं कुछ थोड़ा ऐसे ह्यूमर के लिए दिखाते हैं. जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में गाना था चंदा मामा सो गए सूरज चाचू जाग. बता सूरज को चाचू बना रखा है छोटा भाई. तो ये अपना चंदा मामा पैदा कैसे हुआ ये भी काफी सही सी बात वो काफी इंटरेस्टिंग सी बात है कि एक एक अपने अर्थ की ही ऑर्बिट में एक दूसरा प्लैनेट होता था थिया करके. क्योंकि पहले 20-25 प्लैनेट होते थे अपने जब सोलर सिस्टम बना था. अच्छा. क्योंकि वो पहले बहुत सारे गैसेस और क्लस्टर वगैरह मर्ज होकर छोटे छोटे प्लैनेट्स बन रहे फिर इवेंचुअली वो मर्ज होते गए प्लैनेट. तो थिया नाम का प्लैनेट होता था 4.5 बिलियन साल पहले काफी पुराना है. तो ये अपनी अर्थ की छोटी बहन थी अपनी मौसी थी ये और ये आके अर्थ के साथ भिड़ गई लड़ाई होगी इनकी और आके भिड़ी ऐसे जोर से कि अर्थ का कुछ टुकड़ा और थिया का कुछ टुकड़ा मर्ज हो गया और एक दूर से इंपैक्ट से काफी सारा क्लस्टर दूर चला गया और वो अपना चंदा मामा बन गया. और वो बाई चांस सही बिल्कुल सही ऑर्बिट में चला गया अर्थ के अराउंड
और बिल्कुल सही डिग्री पे, सही डिस्टेंस पे, अदरवाइज या तो दूर होता तो वो दूर चला जाता, डिफ्लेक्ट हो जाता, पास होता तो वो अर्थ में आके वापस मर्ज हो जाता। और अभी नासा ने एक नए सुपर कंप्यूटर से वो भी कराया, एक सिमुलेशन किया है इनका, चांद और ये अर्थ और थिया कैसे मिले थे, तो एक वीडियो दिखाता हूँ तुमको, काफी सही सी वीडियो है भाई। इम्पैक्ट रिपल्स देख रहे हो अर्थ में, तो इस वाले पर्टिकुलर, इसने इसको दूर धकेल दिया, इस वाले मास ने, ये खुद जाके मर्ज हो गया और इसने दूर धकेल के यहाँ पे सही ऑर्बिट में ले आया और ये चांद बन गया अपना। एक और बार देख लो, काफी सही सी है, जैसे इमेजिन किया था वैसा है नहीं, काफी लिक्विडी है ना। हाँ, मतलब मेरा I'm finding it hard to imagine it for solid mass. Solid नहीं थी ना। अरे तो तब हॉट थे ना हम, उसके बाद कूल डाउन हुआ तो सॉलिड बने, अपना ग्लो अप रिवर्स में हुआ। तो हम मैं तो अभी भी काफी टाइम तक हम मैग्मा थे ना, वी वर अ बॉल ऑफ मैग्मा, एंड जब हम कोलिजन भी किया था तो बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट की हीट की वजह से ही पूरी अर्थ वापस मैग्मा फॉर्म में चली गई थी, एंड देन उसके बाद हम वापस ओवर टाइम ठंडे हुए, ऊपर से क्रस्ट ठंडा हुआ, अंदर अभी भी हम गर्म है, ऊपर से हम ठंडे हो रखे हैं। एंड मतलब like a avocado. हाँ, तो ये सब ये सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन करने के लिए नासा ने मतलब इनको पहले वो रॉक्स को एनालाइज करने के लिए जाना पड़ा, तो ये एक टाइम पे ना रेस चल रही थी कि कौन पहले जाके ये पता करेगा कि मून बना किस चीज से। यार रेस तो मैं कहूँगा कि रेस तो वर्ल्ड कोल्ड वॉर की देन है, ठीक है, जो अपने वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ उसके चीजें पीस पे आई, फिर ये दो कंट्रीज दो यूनियन ऑफ कंट्रीज साइड से, कि एक तो यूएस जो कि यूनियन स्टेट्स हुआ, बट यूएसएसआर यूनियन ऑफ कंट्रीज आमने सामने एक बाइपोलर वर्ल्ड बना, और इनको लगा कि ये साथ में कम्पीट करना शुरू किए बहुत सारे फील्ड्स में। फील्ड्स एक इन्फ्लुएंस का था कि कितना वर्ल्ड पर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और एवरीथिंग, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, फिर मिलिट्री के फील्ड में ये लोग कम्पीट करने लगे, सिमिलरली साइंस के फील्ड में। तो कंपटीशन फॉर सुप्रीमेसी इन स्पेस टेक्नोलॉजी वॉज पार्ट ऑफ दिस रेस, की मतलब ना कि स्पेस में भी अब हम लोग कुछ फोड़ना शुरू करते। तो फर्स्ट हिट जो लिया इसमें वो था रशिया ने, आई मीन यूएसएसआर ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, एंड दैट वॉज फर्स्ट सैटेलाइट दैट वेंट इनटू स्पेस। देन यूएस हैड टू रिस्पॉन्ड, तो उन्होंने भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलाए, बट जो एक आइकॉनिक जो प्रोग्राम था दैट अपोलो प्रोग्राम, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग भैया लैंड ही कर गए उधर, ठीक है, एक ह्यूमन को ही भेज दिया उन्होंने मून, ये देखें धूल, तो लाइट भी चलती है। वो एक मैं कहूंगा कि 20th सेंचुरी का बहुत बड़ा स्पेस एक्सप्लोरेशन का हाईलाइट रहा, और उसने काफी ज्यादा लोगों को मोटिवेट किया, अदर कंट्रीज को भी मोटिवेट किया कि वो भी एक्सप्लोरेशन शुरू करें, ठीक है, वो बहुत बहुत बड़ी न्यूज थी उस टाइम की। और जब ये दोनों कंट्रीज कम्पीट कर रहे थे, तब साथ साथ में और बहुत सारी कंट्रीज ने भी एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम शुरू किए, एक EU ने भी अपना शुरू किया एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, जापान ने किया, फिर चाइना आई, चाइना ने भी किया, और लास्ट में इंडिया इज टू मच इनटू इट अभी के लिए। और इंडिया में हमेशा ये कहा जाता रहा कि गरीब होकर के भी क्यों कर रहे एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, क्योंकि स्पेस इज समथिंग दैट इज हाई टेक, ठीक है, एंड इंडिया में अभी तक बहुत सारी चीजों के बेसिक, पाकिस्तान के मिनिस्टर ने तो ये भी कहा कि चांद पे जाने की क्या जरूरत है, यहां से दिखता तो है, उसने लिटरली ये कहा। तो 21st सेंचुरी आते आते तक तो इंडिया ने भी काफी एक्सप्लोरेशन शुरू किया, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे चंद्रयान के बारे में, हमने मंगलयान भी भेजा, तो काफी स्ट्राइड इंडिया ने भी रखा है इस रेस में। तो और ये अब बस रेस नहीं रहा, अब क्या हो गया कि कोलैबोरेट भी कर रहे हैं लोग, जैसे चंद्रयान 2 के बारे में बात हो रही थी, चंद्रयान 3 पे भी नासा के साथ इसरो ने कोलैबोरेट कर रहा है, कि एक्सप्लोरेशन इज नॉट समथिंग दैट इज जस्ट फॉर अ कंट्री टू make efforts in, it's more of a you know collaborative effort ho jisse hame kuch seekhne ko mile aur jyada se jyada seekhne ke baad progress of science ha aur jaise abhi se hi chandrayaan 4 ki jo baat ho rahi hai usme abhi se isro ne jaisa maine ek jagah padha tha ki they are going to collaborate with JAXA jo japan ki agency hai space agency unke sath hi collaborate karne ja rahe hain for shout out to jo main keh raha tha ki ye space hum bhi japan se collaborate karte hain guys ha to ye जैसे मैं रेस की बात कर रहा था कि एक तो ये जस्ट ये नहीं कि हम लोग स्पेस में जा रहे हैं जस्ट फॉर यू नो कि कंट्री का नाम ऊंचा होगा, इट्स नॉट फॉर जस्ट फॉर द नेशनल प्राइड, इट्स मोर अबाउट यू नो कि एक्सप्लोरेशन से हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि यूनिवर्स
क्या है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, जैसे अभी सबको दिखा रहा था वीडियो, ये ऐसे ऐसे तो हुआ नहीं है कि जैसे हम बैठे बैठे एक वीडियो बना लिया और समझते हैं। इसके लिए काफी अंडरस्टैंडिंग चाहिए और तुम्हें अलग अलग एंगल से अंडरस्टैंडिंग चाहिए, स्पेस में जाकर के चीजें सीखते हो समझते हो, तो ये एक हुआ। और ये यहाँ तक सीमित रहता तो बात थी, फिर जैसे इसरो का ही मैं अगर लूँ, जितने बहुत सारे मिशन रहे वो काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में हुआ, कम्युनिकेशन के फील्ड में हुआ, वेदर फॉरकास्टिंग में हेल्प करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प आती है इससे, जो हम लोग सैटेलाइट्स भेजते हैं या फिर जो हम लोग लर्न करते हैं स्पेस, तो ये सब चीजें होती है। और फिर इसके स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स भी हैं कि तुम अपने जो रिमोट बॉर्डर एरिया है उसका सर्विलेंस कर सकते हो फ्रॉम स्पेस, अगर तुम्हारे पास वो टेक है। और ये टर्म ऐसे नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं है, ये रॉकेट साइंस इज समथिंग दैट इज हाईटेक साइंस, ठीक है, अगर तुम वो कर सकते हो तो ये बताता है तुम्हारे कंट्री के टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज के बारे में कि तुम कहां तक जा सकते हो इन टेक। तो दैट इज समथिंग मेरे को लगता है कि हर एक कंट्री को ध्यान देना चाहिए स्पेस टेक में, अगर कुछ कर सके। और स्पेस टेक से हमेशा जो हुआ है ना कि बहुत सारे फील्ड्स में एनेबलर भी रहा, जैसे कम्युनिकेशन के फील्ड में, क्योंकि स्पेस टेक इतना आगे रहा है हमेशा से कि वो दूसरे फील्ड दूसरे डोमेन्स को भी हेल्प करता है। ऑन एन अनरिलेटेड नोट, जब तुम क्रिप्टो में भी, जब क्रिप्टो वाली वेव चल रही थी तो इलॉन मस्क डोज कॉइन के बारे में क्या कहते हैं, टू द मून, वर्ल्ड कप चल रहा था, जैसे शिवांग बता रहा था कि कोल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर में वर्ल्ड कप चल रहा था कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा, और फिर यूएस जीत गया अपने अपोलो मिशन से, वो भी काफी कूल था, काफी लाइक उसकी भी काफी ऐसे न्यूएंसेस डिटेल्स हैं जो लाइक जो जिनको इंटरेस्ट अपोलो मिशन में कोई बात करना चाहता है उसके बारे में। तो अगेन मतलब फर्स्ट आई वांट टू ब्रिज व्हाट शिवांग वाज क्लोजिंग विद के स्पेस टेक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ व्हाट वी हैव टुडे, क्योंकि टेक्नोलॉजी को छोटा बनाना, लाइटवेट बनाना, कंपैटिबल बनाना, लॉन्ग डिस्टेंस बनाना, एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ स्पेस टेक। तो ये वीडियो कॉल प्रोबली वन ऑफ द अर्लीस्ट वीडियो कॉल वॉज जब हम लाइव बैठ के वी वर वॉचिंग नील आर्मस्ट्रांग लैंड ऑन द मून एंड ही सेड दैट वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन एंड अ लार्ज स्टेप फॉर ह्यूमैनिटी, जैसे अभी हमने ऑलरेडी मेंशन किया ना कि यूएसएसआर वॉज टेकिंग जाइंट लीप्स इन स्पेस टेक, दे बीट अमेरिका विद द फर्स्ट सैटेलाइट, दे ऑल्सो बीट अमेरिका विद द फर्स्ट ह्यूमंस इन स्पेस। तो थोड़ा सा इन दैट पोस्ट कोल्ड वॉर एरा अमेरिकन सेंटिमेंट थोड़ा सा हर्ट था कि अरे हमसे आगे कैसे कोई निकल सकता है, बिकॉज वी आर द लीडर्स। एंड देयर वाज अनदर थिंग कि फॉर यूएस इज ऑलवेज बीन कि एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी कैन डू थिंग्स बेटर देन व्हाट अ कम्युनिस्ट रिजीम कैन डू, राइट, कि वी विल एनेबल द राइट थॉट प्रोसेस फॉर द पीपल। तो दैट वॉज वन थिंग जॉन एफ कैनेडी एक्चुअली किसी एक पब्लिक मीटिंग में he'd said this out loud, कि you know, we might have lost with satellite, we might have lost with man, but we'll make sure we beat them when it comes to landing on the moon. And that is how the Apollo project came under conception. The idea was very simple, man on moon, right? First, research we pehle, because at that point, US did not even have a spacecraft that could take payload to the moon. So first, unhone Saturn rocket built kiya, uski research development hui. Then they started Apollo 1 mission, jahan pe unka primary objective tha to send man to outer space and then bring them back safely, which failed, unfortunately, and all astronauts on board lost their life. And uske baad unhone bahut sari research kari to figure out what was wrong. Jo unka crew module tha, usme bahut basic structural issues the, jiski wajah se aag lag gayi thi. So they revamped everything. And then Apollo 7, 6, 8, 9, 10, they itne multiple series of Apollo missions hue jahan pe testing hui. And then 11 was the one where Neil Armstrong, Buzz Aldrin और third आदमी जिसका नाम लोग भूल जाते हैं कुछ कॉलिन करके second का याद है, ये भी बहुत बड़ी बात है, कुछ तो शायद लैंड भी नहीं किया था, he was in the orbiter, हाँ तो क्या ही बड़ी बात, कुछ कॉलिन करके Buzz Lightyear उसका नाम Buzz Aldrin, क्या 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 जो Buzz Lightyear है जो Toy Story वाला उसका नाम Buzz Aldrin पे पड़ेगा, मुझे सिर्फ इसलिए याद है उसका नाम, मुझे तो किसी मूवी में बताया था कि nobody remembers Buzz Aldrin, इसलिए मेरे को वो याद हो गया, everybody, हाँ, three idiots में, तो इसलिए मेरे को वो याद हो गया, ironically. Nobody, don't kid yourself, no one remembers the Buzz Aldrin. जो मून पे लैंड किए थे, were the three idiots? नहीं, they were only two idiots. एक लैंड नहीं किया था ना, एक हॉस्पिटल में था उसने,
तू तो ये बोल रहा है कि एक लैंड नहीं किया था, बट ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसा बिलीव करते हैं कि कोई भी लैंड नहीं किया था. तो ऐसी भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है. सो द ओरिजिन ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कम्स फ्रॉम अ गाय हु इज कॉल्ड बिल केसिंग. एंड जैसे ध्रुव ने मेंशन किया कि अपोलो को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें नासा को थोड़ी रिसर्च थोड़ी पहले और प्रीरिक्विजिट्स फुलफिल करने पड़े थे. तो सैटर्न 5 मिशन में केसिंग वाज एक्चुअली अ पर्सन हु वाज वर्किंग ऑन द सैटर्न 5 मिशन एज अ एम्प्लॉई ऑफ रॉकेटडाइन. एंड 1976 में उसने एक बुक पब्लिश की थी कि उसका नाम था कि वी नेवर वेंट टू द मून एंड अमेरिकाज $30 बिलियन स्विंडल. तो इससे द फर्स्ट ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्पिरसी थ्योरी स्टार्टेड. एंड द बेसिस ऑफ दिस कॉन्स्पिरसी थ्योरीज इज सच दैट कि लोग पहले बोलते हैं कि जो इमेज है उसमें अगर आप जो ध्यान से देखेंगे नासा हैज रिलीज सम, जैसे ध्रुव ने कॉन्टेक्स्ट भी ऐसे एस्टैब्लिश किया ना कि यूएसएसआर वॉज द फर्स्ट इन एवरीथिंग व्हेन इट केम टू स्पेस, राइट? कि उन्होंने पहले दे वर द फर्स्ट टू लाइक लॉन्च द सैटेलाइट, फर्स्ट पर्सन इन स्पेस. बट दीज हैव बीन डिबंक्ड ओवर टाइम. तो जो थ्योरीज है जिसपे ये बेस्ड है बेसिकली जो फोटो आप देखेंगे उसमें यूएस फ्लैग इज वेविंग. तो लोग बेसिकली बोलते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देर इज द वेव हैपेंस बिकॉज ऑफ एयर एंड देर कैन नॉट बी एयर इन वैक्यूम विच कैन मेक द फ्लैग मूव. बट उसके पीछे लॉजिक ये है कि इट वॉज मूविंग बिकॉज देवर द इट वॉज टाइड टू अ स्प्रिंग बेसिकली एंड उसको वैसे पोजिशन किया गया था लाइक टू अपियर इट टू वेव मतलब एंड दैट इज वाई द फ्लैग अपियर्स टू बी वेविंग. एक और थ्योरी ये है कि इन सम ऑफ द फोटोज द शेडोज विच अपियर इन द फोटोज दे अपियर टू बी कमिंग बींग फॉर्म बाय लाइट कमिंग फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स. मतलब अगर सिंगल लाइट सोर्स है आपका तो वैसे शेडोज नहीं बन सकते हैं अपेरेंटली. बट उसका लॉजिक बेसिकली ये है कि it was moon is not an even plane, right? It is an uneven territory and wo ek terrain ke piche wo shoot kiya gaya tha. To wo jo shadows the that was a shadow caused by uneven terrain. To wo shadow agar aap koi hill ke piche agar aap koi photo khichoge to similar shadow aapko dekhne ko milega even though there is a single light source. Theek hai. aur jaise aise theories hain ki jab wo moon actually land jab the lunar excursion model jab wo land kiya to wo there is no crater at the landing site basically. बट उसका उसके पीछे ऐसा लॉजिक है कि मून के जो बिलो वाला सरफेस है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ऊपर का जो डस्ट है वो ओवर टाइम सेटल कर गया था वहां पर. तो दैट इज व्हाई देयर इज नो क्रेटर दैट इज फॉर्म. एंड वन मोर थ्योरी मतलब बेसिकली ऑल ऑफ दिस थ्योरीज हैव बीन डिबंक्ड ओवर टाइम एंड इट हैज बीन प्रूव्ड बाय मल्टीपल कंट्रीज हुव गॉन मल्टीपल मिशंस हुव बीन सक्सेसफुल ओवर द मून कि वहां पर एक्चुअली मून लैंडिंग हुई थी. द फुटप्रिंट इज स्टिल विजिबल बिकॉज देयर इज नो वैक्यूम कि वो उसको हटा नहीं सकता बेसिकली. तो इसीलिए इट इज जस्ट अ थ्योरी इट इज बीन डिबंक्ड ओवर एंड ओवर अगेन. तो ऐसा मत बोलो कि लैंड नहीं हुआ. और सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि जो लैंडर वाले लोग थे जो एस्ट्रोनॉट्स थे उन्होंने एक रिफ्लेक्टर छोड़ दिया था मून के सरफेस पे ताकि अर्थ से हम लेजर रिफ्लेक्ट करके और वापस एक डिस्टेंस एक्जैक्ट नाप सके. तो वो ऑलरेडी है वहां पे. तो वो आज तक वही मॉड्यूल अभी तक यूज हो रहा है. हाँ, और लैंडर्स के काफी सारे फोटोज भी हैं जो लूनर ऑर्बिटर्स ने खींचे हैं. तो वह तो कुछ भी फ्लैट अर्थ टाइप हो गई. और उसके बाद सबसिक्वेंट अपोलो मिशंस में भी अमेरिका हैज लैंडेड सक्सेसफुली. दे वर द फर्स्ट पीपल विद रोवर. दे वर द फर्स्ट पीपल टू ड्राइव अ मैकेनिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन द मून. तो सब कुछ कर दिया भाई उन लोगों ने, फोड़ रखा है. एंड भाई मेरे लिए तो व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट दिस द फनीएस्ट थिंग फॉर मी वाज द फर्स्ट मॉड्यूल दैट लैंडेड राइट विद बज़ ऑल्ड्रिन एंड नील आर्मस्ट्रांग. जो कंप्यूटर था भाई 4KB रैम लेके गए थे. ये 4KB रैम में मैं सिर पीट लूं अपना आज के टाइम में. माय आईफोन इज प्रोबेबली स्ट्रॉन्गर देन द कंप्यूटर दैट दे टुक विद देम. बट आईफोन भाई सैमसंग वॉच भी वेयर इज मोस्ट स्ट्रॉन्गर. और ऐसा भी बोलते हैं कि काफी सारे इनिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी तभी इनिशिएट हुई. तो लूनर प्रोग्राम के थ्रू ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ी. उससे पहले वो हाथ से करते थे और C++ भी काफी हद तक तभी C तब से आई है ऐसा भी बोलते हैं लोग. क्रेजी है भाई, क्रेजी है. बट अब इट वाज इंडीड अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड. व्हिच मैनकाइंड? ह्यूमन काइंड. बट अब आई फील दैट फ्यूचरिस्टिकली मुझे लगता है कि लोगों ने मून की जगह मार्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया. इन्होंने लाइक कि इंसानों को अब मार्स पे जाके हमें टेराफॉर्म करना है. लाइक इलोन भैया तो लाइक लग ही पड़े. वो सिर्फ एक भाई ने थोड़ा इज अ बोर्ड गेम ऑल्सो टेराफॉर्म. इसमें मैं सिर्फ एक मतलब माय काउंटर हियर वुड बी दैट अ ट्रिप टू मार्स इन इट्स ट्रूएस्ट सेंस जो इलोन मस्क के दिमाग में है
that will be impossible without the moon, because it's impossible for you to get from Earth to Mars itna mass leke. So you will have to create, you will have to create some sort of a midpoint journey ka midpoint jahan pe tum chai naaste ke liye ruko thoda. एक्सेप्ट अभी नासा और लॉकहीड मार्टिन ने एक अग्रीमेंट साइन किया है जो न्यूक्लियर पावर्ड क्रायोजेनिक इंजन पे है. तो क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा चाहिए और अपने पास सबसे डेंस फ्यूल न्यूक्लियर एनर्जी है, तो वो न्यूक्लियर पावर्ड क्रायोजेनिक इंजन बनाने की बातें कर रहे हैं जो 2027 तक पहला ट्रायल होगा. काफी ज्यादा कूल चीज है, तो काफी ज्यादा. एंड तो ये लाइट स्पीड अचीव करेगा क्या? लाइट ईयर्स जिसपे आके फोटोन्स टकराएंगे, तो उसका एक्सेलरेशन होगा तो धीरे धीरे, लेकिन क्योंकि फोटोन्स लगातार टकराते जाएंगे तो इवेंचुअली बढ़ता बढ़ता वो सेम डेसिमल ऑफ लाइट स्पीड पे आ जाएगा. वेट, वो सोलर, वो फोटॉन्स पे बेस्ड है? मुझे लग रहा था सोलर फ्लेयर्स पे बेस्ड है, बिकॉज़ सोलर फ्लेयर्स आर अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट इन आउटर स्पेस. नहीं नहीं, फोटॉन्स पे बेस्ड है. सोलर फ्लेयर्स तो काफी पीछे रह जाती है ना. नहीं, अर्थ तक आती है. उसका पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका पॉइंट रेडिएशन ही है. तो वो दोनों तुम रेडिएशन पे बात कर रहे हो, मतलब एक फोटॉन्स भी रेडिएशन है, रेडिएशन. तो वो बेसिकली रेडिएशन पे काम करता है क्योंकि वो दूर तक जाती है. एंड दूसरी बात जो तू मून लैंडर वाली कह रहा था, वो इसलिए चाहिए बिकॉज अर्थ की ग्रेविटी एस्केप करते करते जितना फ्यूल लग जाता है ना, उसकी एफिशिएंसी नहीं पहुंचेगी मून तक, मार्स तक. दैट इज द पॉइंट बिहाइंड द मून लैंडर वाला थिंग. एफिशिएंसी की बात मत करो, रिफ्यूलिंग करेंगे क्या? मतलब मून पे जाने का क्या पॉइंट हुआ? हाँ, ये पूछ. हाँ, रिफ्यूलिंग होगी, पिट स्टॉप रहेगा वो. हाँ, मून पे दूसरा वो होगा. अच्छा, देंगे फिर मून तक थोड़ा लेके जाएंगे, फिर मून से आगे वो सामान उठा के जाएंगे. जैसे अभी अपने को 20-25 दिन लग रहे हैं मून पहुंचने तक, ये अपोलो मिशन वाले तो 7-8 दिन में इंडिया, मतलब इंडिया कह रहा हूँ, यूएस से टेक ऑफ करके मून पे पहुंच के लैंड करके पत्थर उठा के वापस भी आ गए. अभी तो ये सीधे जाते हैं ना, इनके पास बड़ी बड़ी रॉकेट हैं, ये रॉकेट फायर करते हुए सीधे जाते हैं, अपन स्लिंगशॉट करते हैं. हाँ, अपने पास इतने बड़े रॉकेट नहीं है कि इतना बड़ा पेलोड और फ्यूल्स को एक साथ उठा के ले जाएं. हाँ, तो अपन पहले जाते हैं अर्थ की ग्रेविटी में, फिर अर्थ के अराउंड स्लिंगशॉट करते हैं, और वो स्लिंगशॉट से इतना बड़ा बड़ा थोड़ा थोड़ा मोमेंटम जनरेट करते हैं, मोमेंटम जनरेट करके उसका रेडियस उस अपनी ऑर्बिट का रेडियस इतना बड़ा कर देते हैं कि आप इवेंचुअली मार्स की, सॉरी, इसकी मून नहीं, टेंजेंशियली नहीं जाते हम मून की ग्रेविटेशनल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि अब अर्थ के ऑर्बिट से खींच के हमें मून ही ले ले अपने ऑर्बिट में, और फिर हम फ्यूल कर करके अपना रेडियस कम करते जाते मून पे, ऐसे करते हैं अपन. तो ऐसे जैसे हम लोग ये सब करते हैं, तो तुम लोग हमारे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो प्लीज. तुम्हारे लिए वो मून मिशन अपने माउस को थोड़ा गोल गोल घुमा के लाइक और सब्सक्राइब बटन तक लेके जाओ. हाँ, वहां पे लैंड करके बटन दबाओ.